पिछले क्लास में हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में डिस्कस किए थे और आज उस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, ए क्वाइल हुज इंडक्टेंस इज 0.1 हेनरी व्हाइल इट इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स फाइंड द, पहला है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा करंट फ्लोइंग इन द क्वाइल और तीसरा है आल्सो फाइंड पावर लॉस इन द क्वाइल। कहता है कि एक क्वाइल है जिसका इंडक्टेंस कितना है 0.1 हेनरी है, ठीक, जबकि यह 230 वोल्ट सोर्स के साथ क्या है जुड़ा हुआ है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। जब फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो पूछ रहा है क्या, तीन तरह का यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है कि उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है कि इस क्वाइल में करेंट कितना होगा और तीसरा पूछ रहा है कि इसमें पावर लॉस कितना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझिए, क्या है, सिर्फ एक इंडक्टेंस है यानी एक क्वाइल है। एक क्वाइल क्या है, कितना वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, वो भी एसी वोल्टेज है क्योंकि यहां पर क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी है। तो कितना है वोल्टेज 230 वोल्ट है और कितना है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और इसका इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है यानी एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.1 हेनरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0.1 हेनरी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले तो यहां क्या क्या दिया हुआ है ये पहले लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवेन दैट क्या सब दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.1 हेनरी और वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट दिया हुआ है और क्या है फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू दिया हुआ कितना 50 हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज है। तो पहला पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको सूचित क्या चीज से करते हैं XL से करते हैं, ठीक XL से करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग इसका फॉर्मूला क्या देखे थे XL इक्वल्स क्या देखे थे 2πfL क्या देखे थे 2πfL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स क्या होता है 2πfL होता है। तो यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी f क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू दिया हुआ है, l क्या है इंडक्टेंस है इंडक्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है और π का वैल्यू हम लोग जानते हैं डेसिमल में कितना 3.14 और फ्रैक्शन में कितना 22/7। तो यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या 3.14 और f का वैल्यू दिया हुआ है कितना 50 हर्ट और l का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 हेनरी दिया हुआ है। तो यहां से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 31.4 कितना आता है 31.4 और इंडक्टिव रिएक्टेंस जस्ट लाइक किसके समान होते हैं प्रतिरोध के समान यानी रेसिस्टेंस के समान। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। तो यहां से पूछ रहा था पहला इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा यानी XL का वैल्यू क्या हो जाएगा 31.4 ओम।
और दूसरा पूछता है, दूसरा क्या पूछ रहा है, करंट का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछ रहा है करंट, तो दूसरा में क्या पूछ रहा है करंट का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स क्या होता है, वी अपॉन क्या एक्सएल, क्या होता है, पिछले ही क्लास में हम लोग इस सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो यहां से करंट पूछ रहा है तो आई इक्वल्स क्या होता है वी बाय एक्सएल। तो यहां से देखिए वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 230 वोल्ट है, कितना 230 वोल्ट है, और एक्सएल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 31 कितना 4 है, 31.4। तो यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको वैल्यू आता है कितना 7.32, कितना आता है 7.32। तो यहां से आई का वैल्यू कितना निकल गया 7.32 एम्पियर, कितना एम्पियर। और तीसरा में पूछ रहा है क्या कि फाइंड पावर लॉस, क्या पूछ रहा है, पावर लॉस पूछ रहा है, तीसरा पावर लॉस, पावर लॉस। तो पावर लॉस इक्वल्स क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या वी आई कॉस फाई, क्या होता है वी आई कॉस फाई, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है वी आई कॉस फाई, जहां पर क्या है ये फाई क्या है वी और आई के बीच का क्या है एंगल है, क्या होता है एंगल। तो ये क्या है प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में हम लोग देखे थे इसका वेक्टर डायग्राम देखे थे, क्या देखे थे वेक्टर डायग्राम, क्या देखे थे कि वोल्टेज करंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा था, बन रहा था, इधर क्या था बैक ईएमएफ था, क्या बैक ईएमएफ, वेक्टर डायग्राम इस तरह से था। तो देखिए यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिग्री का है अंतर, 90 डिग्री का है। तो यहां से कॉस 90 हो जाएगा, यानी वी और आई कॉस कितना 90 डिग्री, तो वी आई और कॉस 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। तो यहां पर देखिएगा जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि पावर लॉस क्या है, पावर लॉस कितना होगा जीरो, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है, ठीक समझ गए यहां से। या नहीं तो कॉस फाई होता है क्या, एक पावर फैक्टर भी होता है, कॉस फाई क्या होता है पावर फैक्टर। तो यहां से कॉस फाई का एक फॉर्मूला आता है आर बाय क्या एक्सएल, क्या होता है आर बाय एक्सएल, एक फॉर्मूला है कॉस फाई का। तो यहां से देखिए ये तो है प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेसिस्टेंस तो है नहीं, तो रेसिस्टेंस जब नहीं है तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, जब ऊपर में जीरो तो पूरा टर्म ही जीरो, जब कॉस फाई जीरो तो यहां से देखिए वी आई और कॉस फाई है मल्टीप्लाई में है तो टोटल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहां से पावर लॉस क्या होगा जीरो, समझ रहे हैं। तो ये थे तीन तरह का प्रॉब्लम किस पर, प्योर इंडक्टिव सर्किट पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।